आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहता हूँ ए मेनी मोर हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने NDA 2021 का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है और वे अभी अपने SSB को लेकर काफ़ी चिंतित थे क्योंकि अभी इसका कॉल अप लेटर नहीं आया है। सो काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी अपने प्रिपरेशन को लेकर तेज़ी नहीं ला पा रहे हैं। सो मैं आपको आज की इस वीडियो में एक जानकारी देने वाला हूं कि आखिर SSB का कॉल लेटर कब आएगा, जब उनका कॉल अप लेटर आएगा तो उसका सेंटर कहां पे होने वाला है, अगर वे अपने फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स दिए हैं तो उनका सेंटर कहां कहां पे होगा और उनका इंटरव्यू डेट कब होने वाला है। आपको NDA 148 के SSB से रिलेटेड जितने सारे डाउट हैं, जितने सारे अभी आपके मन में जो चिंताएं हैं, मैं उन सारे डाउट को मैं आपको आज के इस वीडियो में लेने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं। अगर आप NDA 1 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप जैसे ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद आपको हमारे इस चैनल के मेन पेज पर आना होगा। उसके बाद आपको जो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन है इस पे आना होगा। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखाई देंगे, जो हमारे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट हैं, हमारे NDA के गैट के प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट है। आपको हमारे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट पे सिंपली क्लिक कर देना होगा। सो मैंने ऑलरेडी NDA 1 2022 को लेकर इतने सारे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप इन सारे वीडियोज़ को देख लें ताकि आपको जो NDA और CDS के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स आते हैं, NDA के एग्जाम में अराउंड 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, आपको लगभग 10-11 क्वेश्चंस इसी से कवर हो जाएंगे। अगर आप अपने गैट और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आपको हमारे उस गैट वाले प्लेलिस्ट पे आना होगा। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारे NDA का गैट का प्लेलिस्ट है। सिमिलरली आप हमारे मैथ का भी प्लेलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको NDA के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से काफ़ी रिलेटेड है। और जब हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर, सो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, व्हेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, और ये चार आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 21st of January, ऑप्शन बी 24th of January, ऑप्शन सी 25th of January, ऑप्शन डी 26th of January। जो भी इसका करेक्ट आंसर हो, आप इसका करेक्ट आंसर इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। वैसे मैं इसका करेक्ट आंसर इस वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, अब वापस से आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। सो जो आज का इस वीडियो होने वाला है, आज का इस वीडियो इस तीनों क्वेश्चन के मेन जो टॉपिक है इसी के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है। सो सबसे पहले हम आपको बात कराने वाले हैं कि इसका सेंटर अलोकेशन कहां कहां होने वाला है। अगर आपका फर्स्ट चॉइस आर्मी था तो आपका सेंटर कहां पे, किस एरिया में होगा, कौन से रीजन में होने वाला है इंडिया के। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने सेंटर अलोकेशन की ओर। सो जो आपके स्क्रीन पे जो यहाँ पे इमेज आ रहा है, ये है आर्मी के लिए। सो जिन्होंने भी अपना फर्स्ट चॉइस आर्मी दिया था, द कैंडिडेट्स दोज हैव गिवन द फर्स्ट चॉइस इज आर्मी, फॉर देम वन सेंटर इज सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, दैट मीन्स जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पर एक SSB का सिलेक्शन सेंटर है अलाहाबाद में। सो सिलेक्शन सेंटर इस अलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस अलाहाबाद वाले सेंटर में टोटल 5 बोर्ड हैं और इस 5 बोर्ड का अलग अलग नाम दे दिया गया है कैटेगराइज करने के लिए। 11 SSB, 14 SSB, 18 SSB, 19 SSB, 34 SSB। मतलब अगर आपको कोई कहे कि मैं 11 SSB से SSB देकर आया हूँ या फिर 14 SSB से SSB देकर आया हूँ, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ स्पेसिफिक नंबर एक दे दिया गया है अलग अलग बोर्ड को अलग अलग सेंटर पे, 11, 14, 18, 19 एंड 34। सो ये था आपका सिलेक्शन सेंटर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे SSB का कौन सा सिलेक्शन सेंटर है, सो यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे भी आपका 3 SSB बोर्ड है, मतलब ईच एक सेंटर में आपका 3 बोर्ड है, और इस तीनों में से अगर आपका सेंटर भोपाल आता है तो आपका जो SSB होने वाला है इन तीनों में से कोई एक ही सेंटर पे होगा, और इसका पता अभी हम नहीं लगा सकते हैं। जब आपका कॉल अप लेटर आएगा और जब आप वहाँ पे SSB में रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट होने के बाद भी आपको मालूम चलने वाला है कि आपका SSB किस सेंटर पे होगा।
पहले मालूम नहीं चलता है। सो सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल जो कि भोपाल में है वहाँ पे 3 बोर्ड हैं, 20 SSB, 21 SSB, 22 SSB। ये जो नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 20, 21, 22, ये नंबर्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक बोर्ड के अलग अलग नंबर दे दिए गए हैं ताकि अलग अलग कैटेगराइज किया जा सके। सो ये था आपका सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल जो कि सेकेंड नंबर का सेंटर था। और जो थर्ड नंबर का सेंटर है जो कि इंडिया में है, ये सिलेक्शन सेंट्रल साउथ, जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जो आर्मी का जो सिलेक्शन सेंटर साउथ है ये बेंगलोर में है। और इस बेंगलोर में टोटल 2 बोर्ड हैं आर्मी के SSB सेंटर के, और इस दोनों बोर्ड का यहाँ पे नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 17 SSB एंड 24 SSB। यहाँ पे भी सिमिलर एक ऐसे दोनों को कैटेगराइज करने के लिए 17 SSB एंड 24 SSB। और एक और बोर्ड जो कि आपके इस स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, जो कि दैट इज़ द फोर्थ सेंटर ऑफ SSB, दैट इज सिलेक्शन सेंट्रल नॉर्थ। नॉर्थ वाले तो अभी आपने नहीं देखा, यहाँ पे देख लिया साउथ, यहाँ पे देख लिया सेंट्रल, यहाँ पे देख लिया ईस्ट, लेकिन एक सेंटर और है जो कि आपके इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, वो है सिलेक्शन सेंट्रल नॉर्थ। सो अगर आपका फर्स्ट चॉइस आर्मी है तो आपका सेंट्रल जो आपका सेंटर होने वाला है SSB के इन्हीं 4 सेंटर में से कोई एक सेंटर होने वाला है। और ये जो सिलेक्शन सेंट्रल नॉर्थ है ये आपका कपूरथला जो कि पंजाब में स्थित है। सो ये रहा आपका आर्मी का सेंटर। और जितने सारे आर्मी के सेंटर होते हैं उनको हम लोग SSB कहकर पुकारते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और जो एयरफोर्स के सेंटर होते हैं उसको हम लोग AFSB कहकर बुलाते हैं, जिसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो दैट इज़ नोन एज AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एंड द नेवी सेंटर्स इन आर कंट्री दे आर नोन एज NSB नेवल सिलेक्शन बोर्ड। सो इफ़ यू आर रिकमेंडेड इन द SSB देन यू हैव द ट्रेनिंग फॉर द आर्मी इन द फॉलोइंग मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन आर कंट्री, IMA दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर, OTA चेन्नई एंड OTA गया, और उसके बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी जो कि सिर्फ NDA एंट्री के लिए, जो कि 10+2 एंट्री के लिए होता है। और ये जो IMA और OTA एंट्री है, IMA एंट्री होता है ग्रेजुएट वालों के लिए, और ये OTA जो चेन्नई वाला एंट्री है, OTA चेन्नई इज़ ओनली फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री, ओनली फॉर द ग्रेजुएट। और यहाँ पे जो OTA गया वाला एक है, OTA गया इज फॉर TS एंट्री। द कैंडिडेट्स दोस हु आर रिकमेंडेड इन द TS दे हैव देयर ट्रेनिंग इन द OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया। सो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट अकेडमीज और इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ SSB सेंटर्स फॉर द आर्मी। अगर आपका फर्स्ट चॉइस आर्मी है तो आपका जो SSB सेंटर आने वाला है ऑल ओवर इंडिया में, आपको इन्हीं 4 सेंटर में से कोई एक सेंटर आएगा, आइदर अलाहाबाद और भोपाल और बेंगलुरु और कपूरथला। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटर की ओर। सो इफ़ यू हैव योर फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स, अगर आपका फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है NDA के एग्जामिनेशन में, देन योर सेंटर कैन कम इन द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला जो एयरफोर्स का फर्स्ट सेंटर है 1 AFSB देहरादून। यहाँ पे भी जो यहाँ पे नंबरिंग किया गया है 1, 2, 3, 4, 5, ये अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए किया गया है ताकि अलग अलग सेंटर्स का नंबर अलग अलग हो। यहाँ पे भी जो AFSB है, AFSB का मतलब होता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। सो 1 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून में है, एक है उत्तराखंड में, और उसके बाद 2nd AFSB मैसूर में है जो कि कर्नाटका में है, 3 AFSB गांधीनगर जो कि गुजरात में है, और 4 AFSB वाराणसी में है। सो एयरफोर्स में टोटली 5 सेंटर हैं, लेकिन आपके स्क्रीन पे अभी 4 ही आ रहा होगा, और एक पांचवा एक नया सेंटर आया है जो कि 5 AFSB गुवाहाटी, जो कि आपके असम में स्थित है। सो 5 AFSB गुवाहाटी। सो दीज 5 आर द सेंटर्स फॉर इंडियन एयरफोर्स। दोस हु हैव देयर फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन एयरफोर्स, फॉर देम सेंटर विल कम एज दीज 5 SSB। विथ इन दीज 5 SSB यू विल हैव इन एनी वन ऑफ द प्लेसेस योर SSB विल बी कंडक्टेड। और जब हम बात करते हैं एयरफोर्स के जो कैडेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, सबसे पहले तो ओनली ट्राई सर्विस इन आर कंट्री, दैट इज 10+2 NDA एंट्री जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और उसके बाद एयरफोर्स अकेडमी जो कि आपके हैदराबाद में स्थित है, एंड इट इज़ अ परमानेंट कमीशन बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, दिस इज फॉर ग्रेजुएट एंट्री। एंड इवन NDA कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन NDA दे गो फॉर एयरफोर्स अकेडमी, दोज हैव फर्स्ट चॉइस इन द एयरफोर्स फॉर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग एट एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद। सो जिनका भी फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है, आप लोग का सेंटर इन्हीं 5 में से कोई एक सेंटर पे आने वाला है। सो अगले हम बढ़ते हैं नेवी के बारे में। सो फॉर द कैंडिडेट्स दोस हु हैव फर्स्ट चॉइस एज नेवी, फॉर देम द फॉलोइंग सेंटर्स कैन कम इन दीज सेंटर्स, एनी वन सेंटर विल कम इन योर SSB कॉल अप लेटर। सब जब आपका कॉल अप लेटर आएगा तो आपका सेंटर इन्हीं 5 में से कोई एक होने वाला है। सो आपका जो फर्स्ट है 1 NSB
कोयम्बतूर तमिलनाडु, और ये जो सेंटर होने वाला है ये NDA एंट्री वालों के लिए नहीं होता है। दिस वन एफ NSB कोयम्बतूर इज ओनली फॉर द ग्रेजुएट एंट्री, लाइक इफ समवन इज गोइंग फॉर SSC टेक एंट्री देन इन दैट केस देयर सेंटर में कम एज NSB कोयम्बतूर। दैट इज यहाँ पे जो NSB है, NSB स्टैंड्स फॉर नेवल सेलेक्शन बोर्ड कोयम्बतूर। उसके बाद अभी अगर आप NDA एंट्री में आपका फर्स्ट चॉइस नेवी है तो आपका सेंटर आ सकता है SSB बेंगलोर में, जो कि 12 SSB यहाँ पे 12 जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये कैटेगराइज करने के लिए किया गया है। और SCS मतलब सिलेक्शन सेंटर साउथ, जो कि बेंगलोर में स्थित है, यहाँ पे आपका नेवी का सेंटर आ सकता है। सिमिलरली एक नेवी का सेंटर भोपाल में भी है, 33 SSB यहाँ पे भी 33 कैटेगराइज करने के लिए मेंशन किया गया है। और सिलेक्शन सेंटर भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक नेवी का एक नया सेंटर ऐड किया गया है जो कि आपके इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है, और उस सेंटर का नाम है SSB सेंटर कोलकाता। एंड एक सेंटर और है जो कि आपके पाँचवें नंबर पर है NSB विशाखापत्तनम। अगर आपका NDA में फर्स्ट चॉइस नेवी में है तो आपका जो सेंटर आने की संभावना इधर भोपाल हो सकता है, या फिर बेंगलोर हो सकता है, या फिर कोलकाता हो सकता है, या फिर आपका विशाखापत्तनम जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है ये हो सकता है। इन्हीं चार में से कोई एक प्लेस पे आपका अगर नेवी का फर्स्ट चॉइस है तो आपका SSB इन्हीं सेंटर्स पे होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेवल एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि जहाँ पे इंडियन नेवी के कैडेट्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सबसे पहले इंडियन नेवल एकेडमी एलिमला, यहाँ पे ग्रेजुएट प्लस 10+2 जो बीटेक एंट्री वाले कैंडिडेट होते हैं उनका भी ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। और उसके बाद ओनली ट्राई सर्विस इन आर कंट्री, दैट इज़ NDA, जहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ट्रेनिंग किया जाता है। कैंडिडेट्स के मन में एक डाउट और होता है कि इफ दे आर बिलोंगिंग टू नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया देन कैन देयर सेंटर कम इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंडिडेट्स अलाहाबाद से है तो क्या उसका सेंटर भोपाल आ सकता है, क्या उसका सेंटर बेंगलोर आ सकता है, जो कि सिलेक्शन सेंटर साउथ हो गया, सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल हो गया। सो दिस डाउट ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लारीफाई द डाउट is that if a candidate is belonging to a particular region, then whether his SSB center will come in that particular region only or it will be shifted to some other region. So, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। Irrespective of the regions, your centers are being allocated by the Joint Indian Army. So, this doubt is clarified. अगर आप इंडिया के कोई भी रीजन से बिलोंग करते हो तो आपका सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आ सकता है। Even if you are belonging to the state of Karnataka, then your center can come in the Allahabad as well. Even if you are belonging to the state of Uttarakhand, then your center can come even in the state of Tamil Nadu, like NSSB Coimbatore. So it doesn't matter which state you belong to. So I think with this I am able to solve one of your doubt, that is center allocation. So with this I am able to solve one of the doubt of center allocation. So jo agla doubt hai ki iska कॉल अप लेटर कब आएगा। सो कॉल अप लेटर इसके आने की संभावना मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है, क्योंकि अब इस मंथ का एंड होने वाला है, तो इस मंथ में तो आने की संभावना काफ़ी कम है। और जो NDA का कॉल अप लेटर आने वाला है, NDA का कॉल अप लेटर तभी आएगा क्योंकि अभी जो एक ग्रेजुएट एंट्री का अभी एक SSB चल रहा है जो कि NCC एंट्री वालों के लिए है। नाउ द NCC एंट्री SSB इज गोइंग ऑन, जैसे ही NCC एंट्री का SSB खत्म होता है तो आपका NDA 148 SSB का कॉल अप स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी फिलहाल के हिसाब से आप मान के चलिए तो आपका फरवरी, मिड ऑफ फरवरी और लास्ट ऑफ फरवरी, मिड या फिर लास्ट, इन्हीं दो टाइम के बीच आपका SSB का कॉल अप लेटर आने वाला है। सो आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जब हम बात करते हैं इसके इंटरव्यू डेट के बारे में, जैसे ही आपका कॉल अप लेटर आता है, कॉल अप लेटर आने के विथ इन 15 डेज आपका SSB का इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपका SSB मिड ऑफ फरवरी में आता है, इफ़ यूर SSB डेट्स कम इन मिड ऑफ फरवरी, देन यूर इंटरव्यू विल स्टार्ट इन द either in the starting of the March or in the ending of the February. So within 15 days of SSB call up letter coming,
योर इंटरव्यू फॉर SSB विल स्टार्ट। और ये SSB अराउंड 2 to 3 months तक चलेगा, मतलब अगर मार्च में स्टार्ट हो रही है तो लगभग आपको मार्च अप्रैल मई के स्टार्टिंग तक चल सकता है। सो विथिन दिस 2 to 2.5 months आपका SSB चलने वाला है, और विथिन दिस 2 to 2.5 months यू विल हैव टू सेलेक्ट वन डेट। और जैसे ही SSB का कॉलअप लेटर आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दूंगा, इसीलिए आप इस चैनल पे बने रहें। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट। स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग द NDA सेलेक्शन सेंट्रल और द SSB और रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ SSB, हाउ यू वांट टू अप्रोच द लेक्चरेट, हाउ यू वांट टू अप्रोच GD, इन द अपकमिंग वीडियोज आई एम गोइंग टू ब्रिंग वीडियोज ऑन लेक्चरेट टॉपिक आस्ट इन द लेटेस्ट लेक्चर टॉपिक आस्ट इन द लेटेस्ट GD टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम कंटेंट रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर लेक्चर टॉपिक। सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। फ्रेंड्स, अब वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। सो जो क्वेश्चन था, व्हेन इज नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये आपका क्वेश्चन था। और ये चार आपके ऑप्शन थे जो आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं, जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ है ऑप्शन सी, 25th of January। सो जिन्होंने 25th of January सोचा था, आप करेक्ट हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द वीडियो। और अगर आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी NDA 2021 में अराउंड 10 questions करंट अफेयर से इसी चैनल से आए थे। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स की तो कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल पर गारंटी कराई जा रही है। इसीलिए आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपको करंट अफेयर्स में काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। स्टिल इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग SSB, एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग NDA, TS और एनी अदर एंट्री, पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी रेडी टू टेक अप ईच एंड एवरी डाउट इन द अपकमिंग वीडियोस, और आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ योर डाउट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।